गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। देखिए, अभी मैंने आपको एक एकता में बल स्टोरी पढ़ाई, कहानी सुनाई है और पढ़ाई है, तो उसमें कुछ संकेत शब्द दे रखे थे, उन्हीं के ऊपर वो इस पूरी की पूरी कहानी लिखी गई थी। ऐसे ही अब आपको देखिए एक और कहानी है जिसमें संकेत शब्द दे रखे हैं और ये चित्र दे रखे हैं। इन चित्रों का प्रयोग करके और इन संकेत शब्दों को देख पढ़कर आपको एक स्टोरी बनानी है, ठीक है? देखो, संकेत शब्द क्या है आपके? संकेत और चित्र शब्दों के आधार पर कहानी लिखो और कहानी का उचित शीर्षक भी। शीर्षक मीन्स कहानी का नाम। शीर्षक मीन्स क्या होता है? कहानी का नाम आपको खुद बताना है, क्या इस कहानी का नाम होगा। देखिए, संकेत क्या है, स्टोरी लिखने की हिंट क्या क्या है। सियार का भोजन की तलाश में भटकना। एक सियार था, वो भोजन की तलाश में भटक रहा था। धोबी के घर नील से भरे टब में गिरना। अब वो भोजन की तलाश में भटकते भटकते एक गांव में पहुंच गया। वहां एक धोबी का घर था जो कपड़े धोता है। उसके घर में एक नील से भरा हुआ टब रखा हुआ था और वो उसमें गिर गया। नीले रंग के जानवर को देखकर सभी जानवरों का डरना। अब उस सियार का रंग कैसा हो गया? नीला हो गया, क्योंकि वो नीले रंग के टब में गिर गया था, नील के रंग में गिर गया था, नीले रंग में, इसलिए उसका रंग नीला हो गया। बट सियार का रंग नीला नहीं होता है ना, सियार का रंग तो देखो ये कैसा होता है, ब्राउन है, ऐसा होता है, पर वो नीले रंग का हो गया। अब क्या हुआ, उससे सभी जानवर उसको देख कर डरने लगे। अपने नीले रंग का फायदा उठाया उसने, किसने? सियार ने अपने नीले रंग का फायदा उठाया। जानवरों की सभा बुलाई उसने, क्या किया, सभी जानवरों की सभा बुलाई, क्योंकि वो नीले रंग का हो गया, उसको पता चल गया कि अब मेरे से सभी डर रहे हैं, तो उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई। अपने आप को जंगल का राजा बताना। और सियार ने क्या करा, सभी के सामने ये कहा कि मैं अब इस जंगल का राजा हूँ। ये सियार नीले रंग का हो गया, सभी जानवर उसके आगे खड़े हो गए और वो बोल रहा है कि मैं अब इस जंगल का राजा हूँ, ठीक है? सभी जानवरों का सियार के झांसे में आना। अब सभी जानवरों से डर गए, किसी ने देखा ही नहीं था नीले रंग का, ये कौन सा जानवर है। सब उसके बहकावे में आ गए। सियार का आनंद पूर्वक जीवन बिताना। सियार का तो जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक बीतने लगा, क्योंकि सभी जानवर उससे डरते थे और अपने आप उसके पास शिकार आ जाता था। सियार से दूर रहते थे सारे जानवर। सियार का हुआ हुआ करना। एक दिन सभी सियार आवाज निकालने लगे, ऊपर मुंह करके हुआ हुआ आवाज करने लगे, रंगे सियार को पहचानना। तो उस सियार की ने जब देखा कि सारे सियार आवाज कर रहे